खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के चौकी मणिपुर क्षेत्र से है, जहां डायल 112 के वाहन चालक की मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। यहां के सुंदपुर गांव में जंगलपारा में एक शव मिला था, जिसकी शिनाख्त होने के बाद हत्या का मामला दर्ज हुआ था। मामूली विवाद को लेकर हत्या की गई थी, जिस पर पुलिस ने घटना के 12 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा। मणिपुर चौकी है जो, उसके अंतर्गत आता है सुंदरपुर गांव, जहां पर एक बॉडी पड़ी हुई है, जहां जंगल जाने वाले मार्ग पर। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल वहां पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर सभी अधिकारीगण और चौकी प्रभारी वहां पहुंचे हैं। पहुंचने पर तो युवक की पहचान जो है वो सोनू राम यादव के रूप में हुई, जो डायल 112 का चालक था। प्रथम दृष्टिया बॉडी को देखने पर यह प्रतीत हुआ कि किसी धारदार हथियार से उसके सिर पर वार करके हत्या का कार्य करना प्रतीत हुआ, जिसके आधार पर हमारी जो है विवेचना आगे बढ़ी है। गांव वालों से भी वहां पर पूछताछ की गई, इस बीच कौन कौन उसके साथ था इस पर भी हमारा पूरा फोकस रहा, सीसीटीवी को भी खंगाला गया और साथ ही साइबर की भी मदद।